अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का नॉर्थ बंगाल सीरीज का डे टू है, तो कल बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत ही लंबा एक जर्नी था। आज हम लोग जाएंगे क्वीन ऑफ हिल दार्जिलिंग, तो अभी डायरेक्ट बाइक पे मिलते हैं। अभी हम लोगों ने लगेज बाइक में इंस्टॉल कर लिया है, देख सकते हैं पूरा। और ये रहा हम लोगों का कल रात का होटल गीतांजलि गेस्ट हाउस, और इसका फोन नंबर सब डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये बहुत ही अच्छा होटल है और सर्विस भी बहुत अच्छा है। और एक चीज़ जो मैं इतना 550 किलोमीटर राइड करने के बाद पूरा बाइक एकदम गंदा हो गया था, तो यहाँ पे उन लोगों ने पूरा धोने का भी व्यवस्था कर दिया था। यहाँ पे पानी था। बहुत ही सेटिस्फाइड विद दिस होटल एंड सर्विस, तो आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूँगा आप लोग आइए। और आप लोगों को पार्किंग भी अच्छा मिलेगा, एकदम सटा दिया हुआ है, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने ठीक किया कि अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, पहले कार्चियांग की तरफ अभी जाएंगे, और रास्ते में कहीं पर अगर अच्छा खाना मिल गया तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। एक टी स्टॉल, मतलब टी गार्डन है, या टी ऐसे जो चाय का पत्ता है या ऐसे काट के फिर इसको प्रोसेस करके हम लोग का घर में सेल होता है सब। दार्जिलिंग ट्रैफिक पुलिस का स्टेशन है, और यहाँ से हम लोग दाएं जाएंगे दार्जिलिंग के लिए कार्सियांग। ओ रास्ता कार्सियांग, और मैप में दिखा रहा है ए रास्ता कार्सियांग। अच्छा ए है रोहिणी रोड। अच्छा ओ हो सामने का व्यू मैम। ये हम लोग का सेकेंड वाटरफॉल है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अभी थोड़ी 10 मिनट पहले वहाँ पे थे, अभी इतना ऊपर आ गए। यहाँ पे तो एक फोटो लेना ही है। हम लोगों ने थोड़ा 5 मिनट के लिए मिरिक कार्सियांग व्यू पॉइंट, आई लव कार्सियांग, यहाँ पे थोड़ा रुकने के लिए और फोटो खींचने के लिए वेट किया, लेकिन 5-10 मिनट के जगह आधा घंटा से ज्यादा हो गया। पिक्चर खींचा, यहाँ पे पिक्चर खींचा, बाइक को लेके पिक्चर खींचा, वो सब आप लोगों को वीडियो पे मिलेगा। थोड़ा वीडियो भी किया, आई लव कार्सियांग, और यहाँ से अच्छा सा व्यू पॉइंट भी है, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है।
और यहाँ पे बाइक लेकर नहीं जा सकते, यहाँ पे थोड़ा क्लोज किया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन है। तो अभी हम लोग मिल्क के लिए निकल पड़ेंगे। मेरा कारसिया रेलवे स्टेशन 4,864 फीट है। सो अभी हम लोग आ गए हैं टिंगलिंग व्यू पॉइंट। यहाँ पे भी आई लव मिल्क बोल के एक स्टैचू है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग अपना फोटो लेते हैं। सो वी आर नाउ एट मिरिक लेक और सुमेंदु लेक। इट्स अ 1.25 किलोमीटर लॉन्ग लेक और यहाँ पे एक फुट ब्रिज भी है जो सीधा पाइन फॉरेस्ट की तरफ जाता है। और इस लेक के अंदर बहुत सारा मछली भी है और इस तरफ मछलियों के लिए फिश फूड मिलता है जो टूरिस्ट लोग अपना विश पूरा करने के लिए मछलियों को देता है। तो अभी हम लोग मिरिक लेक पे ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि हम लोगों को शाम के अंदर दार्जिलिंग भी पहुंचना है। तो अभी हम लोग सीधा यहाँ से जाएंगे दार्जिलिंग। मिरिक का जो व्यूज़ है उसको एंजॉय करते करते, वीडियो लेते हुए, आप लोगों के लिए वीडियो कलेक्ट करते हुए। और पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे पशुपति मार्केट। पशुपति मार्केट पे इंडो विच इज़ सिचुएटेड ऑन द इंडियन एंड नेपाल बॉर्डर और विच इज़ फेमस फॉर इम्पोर्टेड चीप इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जैकेट्स परफ्यूम कॉस्मेटिक्स एंड क्लोथ्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड। तो अभी यहाँ से सीधा पशुपति मार्केट पे जाके मिलते हैं। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं पशुपति मार्केट। यहाँ पे थोड़ा बाइक पार्किंग करते हैं और यहाँ पे इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो अभी हम लोग नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके अभी हम लोग है नेपाल में। अभी हम लोग है फॉरेन कंट्री में, आउटसाइड द इंडिया। वी आर नाउ एट नेपाल और ये रहा नेपाल का बॉर्डर। वहाँ पे आपको कोई भी आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और कुछ भी, मतलब जहाँ पे फोटो होगा, पैन कार्ड, ये सब दिखा के आप 5-10 मिनट के लिए नेपाल के अंदर आ सकते हैं, फिर से आपको वापस चला जाना। और मेरे पीछे एक बोर्ड है, ए वाला बोर्ड, तो इसमें लिखा हुआ है कि मताई नेपाल, विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिवोटेड टू कॉम्बेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एंड चिल्ड्रेन, is engaged in protection, rescue and rehabilitation of survivors of trafficking by promoting their human rights in diversified avenue. So पशुपति मार्केट को क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद, 5-10 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए सिमाना व्यू पॉइंट और यहाँ पे हम लोगों ने बाइक पार्किंग कर लिया। This Simana viewpoint was situated on the border of West Bengal and Nepal at an altitude of 7,500 feet. This place was also called Zero Point. At that place neither belongs to Nepal or nor to West Bengal. Tourists could see a beautiful viewpoint of Sandakfu and their peaks. And from here आप लोगों को left side में दिखने को मिलेगा Nepal और राइट में आप लोगों को मिलेगा वेस्ट बंगाल और बीच में नेपाल और इंडिया का बॉर्डर। और शाम को सनसेट के टाइम पे हम लोगों को सिमाना व्यू पॉइंट में अलग ही एक व्यू मिला था। तो चलिए अब डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं दार्जिलिंग के होटल पे। तो 6:30 बजे हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए थे। वहाँ पे एक ओयो का एक होटल था, हिल ग्रैंड हिमालयन बोल के। तो वहाँ पे मैंने 2 हफ्ते पहले से ही प्री बुकिंग कर लिया था और पूरा पैसा भी पे करके प्री बुकिंग किया था ताकि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब मैं जाके वहाँ पे देखा, चेकआउट चेक इन करने के गया, तब वहाँ का जो मैनेजर था वो बहुत ही रूड बिहेवियर का था और उन लोगों ने एकदम स्ट्रेट बोल दिया कि मेरे पास रूम नहीं है, आपका रिफंड हो जाएगा, बस बोल के छोड़ दिया। फिर हम लोगों ने ओयो से कॉन्टेक्ट किया, ओयो ने बोला कि ठीक है, एक वहाँ पे आसपास ही एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पे अगर बुकिंग हो जाए तो देखते। वहाँ पे भी नहीं हुआ, फिर हम लोगों का रिफ़ंड इशू किया, जो भी हो। लेकिन वहाँ पे 6:30 बज गया, एक भी होटल खाली नहीं था। फिर हम लोगों को 10-10:30 बजे तक हम लोगों को सिर्फ होटल, होम स्टे ये सब ढूंढना पड़ा पूरा रात। इस होटल का पूरा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज़ इसे
मैं 100% रिकमेंड, फुल्ली रिकमेंड करता हूँ इस होटल को, जो एकदम चीप प्राइस में, उतना पैसा भी नहीं मिला, 3000 फॉर 4 पीपल एक रूम के लिए, तो बहुत ही सस्ता है। तो पर हेड ऑलमोस्ट 750 करके पड़ रहा है, तो बहुत ही चीप है। और जो क्वालिटी है, मतलब 5-स्टार क्वालिटी।